भाई गोबर में लग गया क्या आएगा टायर? गोबर लगा ना। सो वेलकम बैक टू चैनल वन, दिस इज योर बॉय द गॉड्स राइडर एंड होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये आपका भाई सिलीगुड़ी के सड़कों पर ऑफ रोड करते हुए एक्सपल्स को लेके। सो गाइस पिछला वाला ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो अमिता का बाइक का डिलीवरी वाला ब्लॉग। तो उसके बाद से ना मैं अभी सिलीगुड़ी में ही हूँ, क्योंकि मेरा जो बाइक है उसका कुछ मॉडिफिकेशन करवाना था। एंड आज संडे तो सब लोग राइड पे गया है गाइज, मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे को जो है ये बाइक को मॉडिफिकेशन कराना है। तो इसीलिए गाइज मैं निकल चुका हूँ अभी अंचल की ओर। आए रोड का हालत चेक करें, लेकिन एक्सपल्स के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी पिलियन के साथ हूँ। मिठाई दुकान थोड़ी चाहिए, यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ ओके, ये है ये बंद है। तो उधर तो हम फोन करते हैं। फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं वीरुदा का गैरेज पे एंड यहाँ पर काम चालू है। सो गाइज आज का जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो मैंने ये बैंडिटो स्टॉप से ये एक एमएक्स टेल टाइडी मंगाया है एक्सपल्स के लिए। तो गाइज वो भी स्टॉक टेल टाइडी है, उसको निकाल के हम लोग ये फिट करेंगे आज। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो इसका कॉस्टिंग कुछ 1100-1200 रुपये आता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? आप भी वहाँ से मंगा के अपने एक्सपल्स पे फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना काम चालू हो गया है। गाइज अभी जो है ये एक्सपल्स का ये जो टेल है पीछे का पोर्शन ये निकल चुका है। एंड अभी जो है कुछ ऐसा लुक आ रहा है, देख सकते हैं। तो हमारे बिरुदा ये सब में एक्सपर्ट है। अगर आप लोगों को भी कुछ कराना है तो बिरुदा का गैरेज सिलीगुड़ी में फेमस है ना बिरुदा? कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, बात वत कर लेना। तो ये जो पोर्शन है गाइस इसको कट करना पड़ेगा नीचे से, अभी थोड़ा देर के बाद दिखाएंगे आपको। ऑलराइट गाइस अभी क्या है कि लाइट चला गया है इसलिए काम थोड़ा सा रुक गया है। एंड इतना गर्मी है ना भाई, क्या बोलूँ। इधर मैं हिल्स में तो भाई बारिश आ रहा होगा शायद,
मौसम, और यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हैं। तो थोड़ा सा बाइक दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये चेक करें। अभी जो है चालू है, अभी कुछ लुक ऐसा आएगा जो है। यहाँ का क्लेम बनाना पड़ेगा जो कि लाइट नहीं है, तो अभी थोड़ा सा काम जो है बंद पड़ा है। देख सकते हैं अभी कितना अच्छा लुक आ रहा है ना, इतना एक छोटा सा मॉडिफिकेशन से क्या बढ़िया लुक आया है। अभी अभी फिनिशिंग होना बाकी है। सो फाइनली गाइज, बाइक का जो काम वाम है वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड यार गाइज, काफ़ी दिनों से ना टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, पार्ट्स वगैरह सारा कुछ घर में था बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो फाइनली बाइक जो है वो रेडी हो चुका है, एंड सिर्फ अभी वायरिंग करना बाकी है। तो वायरिंग करने के बाद सीधा आपसे मिलते हैं फिर, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, फाइनली अपना मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये बाइक का। सो जस्ट चेक दिस आउट गाइज, तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। जस्ट लुक एट दिस। सो ये है MX Delta ID 2.0 जो कि मैंने बैंडिडोज पिस्टॉप से मंगाया था, एंड इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, इंडिकेटर्स जो है मुझे बल्ब वाले लगाने पड़े क्योंकि इसका जो इंडिकेटर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है LED वाले। एंड अभी इमरजेंसी के लिए मैंने पुलिस से बचने के लिए बल्ब वाले इंडिकेटर लगा दिया है, एंड नंबर प्लेट भी चढ़ चुका है। सो इसका फुल सेटअप जो है कैसे क्या किया वो नीचे आप देख सकते हैं। दो ऐसे क्लेम जो है यहाँ से ऐसे निकाल के उसके बाद जो है ये MX Delta ID को बैठाया है। एंड ये थोड़ा सा वायरिंग जो है अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखा हूँ, अभी इसको कल मैं बढ़िया तरीके से अंदर ऐसे घुसा दूँगा। फिर भी ये दिख नहीं रहा है, वायरिंग एकदम सही है। एंड या गाइस, एक्सपल्स का ना गाइस अभी अभी बढ़िया डर्ट बाइक वाला लुक जो है वो आया है। एंड ये MX Delta ID 2.0 है, जो पहला वाला था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं मतलब वो भी ठीक ही था लेकिन नंबर प्लेट का जगह नहीं था उसमें, बट इसमें जो है गाइस नंबर प्लेट का जगह भी हो गया है। एंड या इट लुक्स सो अमेजिंग मैन, बिकॉज लाइक मैं तो इसको मॉडिफाई करने के लिए ख़रीदा हूँ, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन अभी बाकी है, जैसे इसका इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, एग्जॉस्ट इसको इसमें फुल सिस्टम आएगा, मैं देख के रखा हूँ एग्जॉस्ट। एंड इसका विंडशील्ड भी मैंने निकाल दिया, एंड नंबर प्लेट जो मैंने खुद से सेटअप किया है घर पर, जो कि काफ़ी मज़बूत है, जो कि कुछ ऐसा लुक दे रहा है गाइस देख सकते हैं। एंड या आज का दिन इसी में बीत गया इधर उधर करते, क्योंकि आज जो है संडे था एंड लाइट भी चला गया था, तो इसीलिए गाइज कटिंग वगैरह भी सारा कुछ हाथ से करना पड़ा, तो इसीलिए गाइज इसमें दिन ही निकल गया पूरा। एंड ड्रिल मशीन खोजते खोजते ना एकदम दुकान खोजते खोजते लाइक क्या बोलो, तो हम लोग पागल ही हो गए। एंड फाइनली इधर अंचल में एक दुकान मिला ड्रिल, जहाँ पे ड्रिल मशीन से होल करके उसके बाद इसको नंबर प्लेट को बिठाया। सो या गाइस, अभी घर जा रहा हूँ मैं, चल बैठ भाई। अभी मैं जाऊँगा घर क्योंकि भूख भी लगा है, और कल सुबह सुबह दार्जिलिंग निकलना है मेरे को। सो या गाइस, अभी वीडियो को एंड करते हैं, होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड लाइट जाने के वजह से ना गाइस बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार इसमें, लाइक एक डेढ़ घंटे का काम पूरा एकदम चार घंटा लग गया। तो या गाइस, वीडियो गेन करते हो, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू हैव सम सजेशन देन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड गो कूल, गो विद द फ्लो।